नमस्कार दोस्तों, एजी टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टायर का कलर कैसा होता है? आप सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सबको पता है टायर का कलर ब्लैक होता है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि टायर का कलर ब्लैक क्यों होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, चाहे किसी भी कंपनी ने टायर को मैन्युफैक्चर किया होगा, उसका कलर ब्लैक ही होगा। तो ब्लैक क्यों होता है? तो दोस्तों टायर बनता किससे है? तो टायर आपको सभी को पता है रबड़ से बनता है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो स्लेटी कलर की होती है, और दूसरा वो मजबूत भी नहीं होती है। तो इसके लिए उसे मजबूत बनाने के लिए कार्बन ब्लैक और सल्फेट का इस्तेमाल होता है। कार्बन ब्लैक और सल्फेट को मिला के रबड़ के साथ इसको मिक्सर करके टायर बनाए जाते हैं, और इसीलिए इसका कलर ब्लैक होता है और मजबूत भी होता है दोस्तों, जैसे ये जल्दी घिसता नहीं है। और इस प्रक्रिया को, टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि टायर का कलर ब्लैक क्यों होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या बिल्कुल नए ही हो गए, अभी शुरू किया मैंने चैनल, कुछ ही सब्सक्राइब हुए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और कमेंट में जो आप चाहते हैं लिख सकते हैं, आपको कोई सजेशन देना है, कोई कुछ भी लिखना है, प्लीज कमेंट में लिख।